दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स जो 40,000 रुपीज से लेकर 50,000 रुपीज की प्राइस रेंज में आते हैं। देखो यार, इस प्राइस कैटेगरी में आपको सबसे ज्यादा ऑप्शंस देखने मिलते हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी इस प्राइस को लेकर ही है। तो मैं आपको 7 ऐसे लैपटॉप्स बताऊंगा जो आपको 40,000 से 50,000 की बजट प्राइस रेंज में मिल जाएंगे। दोस्तों इन सभी लैपटॉप्स को हमने स्टूडेंट्स, ऑफिस पर्सनल्स और एजुकेशन पर्पस को कंसिडर करके सिलेक्ट किया है। तो अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर कोई भी प्रोफेशनल काम के लिए एक बेस्ट लैपटॉप ढूंढ रहे हैं और आपका बजट 40,000 से 50,000 के अंदर है तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इसे बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट लैपटॉप सिलेक्ट कर पाओगे। उसी के साथ देखेंगे इन सभी के डिटेल, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और जानेंगे आपके लिए कौन सा लैपटॉप किस प्राइस में लेना सही रहेगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला है Lenovo V15। अगर आपका बजट 37,000 से 40,000 के अंदर है तो फिलहाल इससे पावरफुल प्रोसेसर आपको किसी और लैपटॉप में नहीं मिलेगा, क्योंकि आते राइजन 5 5500U6 को 12 थ्रेड्स वाले प्रोसेसर के साथ। वैसे सेम प्राइस में आपको राइजन 3 7320U भी मिलेगा, बट उससे कहीं ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको राइजन 5 5500U में मिलती है, जिसमें आप थोड़े बहुत हेवी टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है और आपका बजट कम है तो डेफिनेटली आपके लिए सही रहेगा। इसमें आप कोडिंग, प्रोग्रामिंग, बेसिक वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे टास्क कर सकते हैं। यह 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस, TUV सर्टिफिकेशन और 1920x1080 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसके अलावा इसमें राइजन 5 5500U6 को 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर, वेगा 7 के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स जो डायरेक्ट एक्स 12 एनेबल ग्राफिक्स है। इसके मल्टीकोर की परफॉर्मेंस i5 1135G7 से भी थोड़ी बेटर मिलेगी, जो एक 45,000 की लैपटॉप में यूज होने वाला प्रोसेसर है। इसमें आप GTA 5 जैसे AAA टाइटल गेम्स मीडियम सेटिंग पर 30-40 FPS के साथ खेल सकते हैं। उसी के साथ 3200 MHz 8GB DDR4 RAM, 512GB की SSD, साथ ही विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, HD वेबकैम, मल्टी जेस्चर टचपैड और ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी एटमॉस जैसे फीचर्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, RJ45 पोर्ट, USB टाइप सी पोर्ट, एक USB 3.2 पोर्ट और एक USB 2.0 पोर्ट दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 38 वाट आवर 3 से लिथियम आयन बैटरी मिलेगी, जिसमें लगभग 4-5 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। इसकी प्राइस अभी 38,000 रुपीज है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 37,000 के अंदर आसानी से मिल जाता है। वैसे सेम ही प्रोसेसर के साथ आपको Lenovo IdeaPad Slim 3 भी मिलेगा, उसकी प्राइस 44,000 रुपीज के करीब है। परफॉर्मेंस आपको दोनों में लगभग सेम ही मिलेगी, बट Lenovo IdeaPad Slim 3 में आपको 2 इयर्स की वारंटी, बैकलेट कीबोर्ड और MS Office 2021 के लाइसेंस वर्जन लाइफ टाइम के लिए फ्री में मिलेंगे, जो Lenovo V15 में आपको नहीं मिलते। तो आपकी रिक्वायरमेंट और बजट के अकॉर्डिंग इन दोनों में से किसी के साथ भी आप जा सकते हैं। दोनों में आप 16GB तक RAM और 2TB तक स्टोरेज को अपग्रेड कर सकते हैं। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इन्हें डायरेक्टली चेकआउट कर पाओगे। इसके अलावा अगला लैपटॉप है Lenovo का ही Lenovo ThinkBook 15। अभी आप कहोगे सारे Lenovo के लैपटॉप्स को ही क्यों सिलेक्ट किया है। देखो इसमें Lenovo IdeaPad और V सीरीज से काफी बेटर बिल्ड क्वालिटी मिलेगी। इसमें एल्यूमिनियम टॉप कवर, फिंगरप्रिंट सेंसर और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट को ऐड किया गया है। तो अगर आप एक टफ बिल्ड क्वालिटी वाला लैपटॉप चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। परफॉर्मेंस भी इसमें आपको लगभग सेम ही मिलेगी, साथ ही इसमें आपको 40GB तक RAM को अपग्रेड करने का भी ऑप्शन मिलता है। यह 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 220 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC कलर गैमेट और 1920x1080 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसके अलावा इसमें भी आपको राइजन 5 5500U6 को 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर, AMD वेगा 7 के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, 3200 MHz 8GB DDR4 RAM, 512GB की SSD, विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, MS Office 2021 के लाइसेंस वर्जन, 2W ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी एटमॉस, फिंगरप्रिंट सेंसर, मल्टी जेस्चर टचपैड, HD वेबकैम और कैमरा शटर जैसे फीचर्स मिलते हैं। RAM को आप इसमें 40GB तक अपग्रेड कर सकते हैं, प्लस एक एक्स्ट्रा SSD स्लॉट भी मिल जाएगा। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, RJ45 पोर्ट, SD कार्ड रीडर, 2 USB टाइप सी पोर्ट और 2 USB 3.1 पोर्ट दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 45 वाट आवर 3 से लिथियम आयन बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिलती है, जिसमें लगभग 5-6 आवर के आसपास बैटरी बैकअप आसानी से मिल जाएगा। अभी इसकी प्राइस 45,000 रुपीज है। दोस्तों सिमिलर प्राइस में आपको ऑनर मैजिक बुक 14 भी मिल जाएगा, जो सेम प्रोसेसर, 16GB रैम, IPS LCD डिस्प्ले, मेटल बिल्ड क्वालिटी, बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जैसे तगड़े फीचर्स के साथ आता है। अगर आप एक कॉम्पैक्ट लैपटॉप 16GB रैम के साथ लेना चाहते हैं तो उसे भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप रैम और स्टोरेज को अपग्रेड नहीं कर पाओगे। वैसे दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा इस लिस्ट का अगला लैपटॉप है Asus VivoBook 15। दोस्तों i3 12th जनरेशन प्रोसेसर के साथ आने वाला अंडर 40,000 रुपीज में सबसे पावरफुल और बेस्ट लैपटॉप है। इसमें आपको इंटेल 12th जनरेशन P सीरीज का i3 1220p प्रोसेसर मिलता है।
इसके सिंगल कोर और मल्टी कोर की परफॉर्मेंस राइजन 5 5500U से थोड़ी बेटर मिलती है, तो एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लैपटॉप होने वाला है। अगर आपका बजट 40,000 के करीब है तो मैं इसे आपको रेकमेंड करूंगा। इसके अलावा इसमें आपको बिल्ट इन एलेक्सा और फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा। यह थे 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 220 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC कलर गैमेट और 1920x1080 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसके अलावा इसमें इंटेल i3 1220p 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर, इंटेल अल्ट्रा HD के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, 3200 MHz 8GB DDR4 रैम, 512GB की NVMe M.2 SSD, विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, MS Office 2021 के लाइसेंस वर्जन, HD वेबकैम, फिंगरप्रिंट सेंसर, बिल्ट इन एलेक्सा और मल्टी जेस्चर टचपैड जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें भी आप रैम को 16GB तक अपग्रेड कर सकते हैं, प्लस एक एक्स्ट्रा SSD स्लॉट भी मिल जाएगा। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, एक USB टाइप सी पोर्ट, एक USB 2.0 पोर्ट और एक USB 3.0 पोर्ट दिए गए हैं। वैसे इसमें आपको 42 वाट आवर्स 3C लिथियम आयन बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिलती है, जिसमें लगभग 4-5 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। इसकी प्राइस अभी 41,000 रुपीज के अराउंड देखने मिल रही है, जो कार्ड ऑफर के साथ आपको 40,000 तक मिल जाएगा। अगर आप ज्यादा हेवी टास्क करते हैं जिसमें ज्यादा प्रोसेसिंग पावर की रिक्वायरमेंट होती है तो इसके साथ जाना सही रहेगा। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगला लैपटॉप है HP 15S। अगेन ये भी Ryzen 5 5500U के साथ आने वाला एक लैपटॉप है, जिसमें आपको 16GB की रैम प्री इंस्टॉल मिलती है। दोस्तों HP की लेटेस्ट सीरीज का एक स्टाइलिश प्रीमियम लुक्स और बेस्ट बिल्ड क्वालिटी वाला लैपटॉप है। इसमें आपको बिल्ट इन एलेक्सा, बैकलाइट कीबोर्ड और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। 16GB रैम और एक कैपेबल प्रोसेसर होने की वजह से इसमें आप थोड़े बहुत हेवी टास्क भी परफॉर्म कर पाओगे, साथ ही डिसेंट लेवल की गेमिंग भी हो जाएगी। यह था 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC कलर गैमेट और 1920x1080 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसके अलावा इसमें भी Ryzen 5 5500U 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर, AMD Vega 7 के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, 3200 MHz 16GB DDR4 रैम, 512GB की NVMe M.2 SSD। ये मैक्सिमम 16GB रैम को ही सपोर्ट करता है, लेकिन स्टोरेज को आप 2TB तक अपग्रेड कर सकते हैं। उसी के साथ विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, MS Office 2021 के लाइसेंस वर्जन, बिल्ट इन एलेक्सा, बैकलाइट कीबोर्ड, HD वेबकैम और मल्टी जेस्चर टचपैड जैसे फीचर्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, एक USB टाइप सी पोर्ट, SD कार्ड रीडर और 2 USB 3.2 पोर्ट्स दिए गए हैं। इसमें भी 41 वाट आवर 3 सेल लिथियम आयन बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिलेगी, जिसमें 5-6 आवर के आसपास बैटरी बैकअप आसानी से मिल जाएगा। अभी इसकी प्राइस 50,000 रुपीज है। दोस्तों 52,000 के करीब आपको HP Pavilion 14 भी मिल जाएगा, जो Ryzen 5 5625U प्रोसेसर के साथ आता है। HP Pavilion HP की प्रीमियम सीरीज के लैपटॉप में से एक है, तो बिल्ड क्वालिटी और फीचर्स में कोई इश्यू नहीं आएगा। वैसे दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से अपने डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगला लैपटॉप है Asus VivoBook 16X। दोस्तों इस सीरीज का सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी डिस्प्ले वाला लैपटॉप है। इसमें आपको Ryzen 5 5600H प्रोसेसर मिलता है। एच सीरीज का एक प्रोसेसर होने की वजह से परफॉर्मेंस टॉप नॉच मिल जाएगी। प्रोसेसिंग पावर में इंटेल i5 1235U को भी बीट कर देता है, जो इंटेल की लेटेस्ट 12 जनरेशन सीरीज का एक प्रोसेसर है। इसके अलावा इसमें आप 16GB तक रैम को अपग्रेड करके 4K वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। यह था 16 इंचेस की फुल HD प्लस एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC कलर गैमेट और 1920x1200 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसके अलावा इसमें Ryzen 5 5600H 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर, AMD Vega 7 के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, 3200 MHz 8GB DDR4 रैम, 512GB की NVMe M.2 SSD। रैम को आप 16GB तक अपग्रेड कर सकते हैं, प्लस एक एक्स्ट्रा SSD स्लॉट भी मिल जाएगा। उसी के साथ विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, MS Office 2021 के लाइसेंस वर्जन, बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर, मल्टी जेस्चर टचपैड और HD वेबकैम जैसे फीचर्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, एक USB टाइप सी पोर्ट, 2 USB 3.2 पोर्ट और एक USB 2.0 पोर्ट दिए गए हैं। इसमें 50 वाट आवर 3 सेल लिथियम आयन बैटरी मिलेगी, जिसमें लगभग 5-6 आवर के आसपास बैटरी बैकअप आसानी से मिल जाएगा। इसकी प्राइस अभी 48,000 रुपीज है। वैसे इसका 16GB रैम वाला वेरियंट आपको 54,000 रुपीज में मिल जाएगा, लेकिन 8GB रैम के सिंगल स्टिक की प्राइस 1600 रुपए है, तो उसे आप 16GB तक अपग्रेड कर सकते हैं, जिससे आपको टोटल बजट 50,000 रुपीज के अंदर ही रहेगा। इस प्राइस में एक बेस्ट और पावरफुल लैपटॉप है। इसमें आप कोई भी हेवी टास्क इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप इस प्राइस में लेना चाहते हैं तो HP Victus आपके लिए एक डिसेंट ऑप्शन हो सकता है। वैसे इसकी प्राइस 54,000 रुपीज है। इसमें आपको Ryzen 5 5600H प्रोसेसर और AMD Radeon RX 5500M ग्राफिक कार्ड मिलता है, जिसकी परफॉर्मेंस आपको NVIDIA GTX 1650 से थोड़ी बेटर मिलेगी। तो इन सभी लैपटॉप्स की और इनके कंपेटिबल रैम और स्टोरेज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इन्हें डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थे हमारे बेस्ट लैपटॉप्स जो 40,000 से 50,000 रुपीस की प्राइस रेंज में आते हैं। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।